मुझे बीच में मुंबई से किसी ने कहा था कि डैनियल भाई अगर आप ऐसा प्रचार करोगे ना अन्य भाषा के खिलाफ वर्शिप के खिलाफ दशमांश के खिलाफ और आपका जो तरीका है प्रचार करने का अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको कोई बुलाएगा नहीं मीटिंग में कन्वेंशन में कॉन्फ्रेंस में ए मेरे भाई मैंने उसको भी जवाब दिया था और अगर किसी के दिमाग में अभी चल रहा है तो मैं आपको भी जवाब देता था मेरे को आना ही नहीं है पहली बात तुम्हारे कन्वेंशन तुम्हारे क्रूसेड तुम्हारी सभा में मेरे को आना भी नहीं है पूछो क्यों हां तो जहां यीशु नहीं है जिस कॉन्फ्रेंस में जिस सभा में जिस कन्वेंशन में जिस मीटिंग में मैं वहां जाके क्या करूं जिस मीटिंग में यीशु की मर्जी नहीं है मैं वहां जाके क्या करूं आई बात समझ में मेरे पास मैं अभी टाइम नहीं है यह बताने के लिए कि यीशु को लोग ढूंढते थे क्या वो इस घर में बैठा है बोला नहीं उस घर में बैठा है बोला नहीं तो क्या करते थे पता है यीशु को ढूंढते 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 एक घर दूसरा घर तीसरा घर चौथा घर तीसरा मोहल्ला तो चौथा मोहल्ला ये शहर वो शहर जहां यीशु होता था भीड़ वहां जाती थी तब तब तो सोच के देखिए आपकी बकवास की मीटिंग में जहां कचरा खिलाया जाता है बाइबल के बाहर बातें होती है वहां यीशु कैसे आएगा बताइए पवित्र आत्मा अपना काम कैसे करेगा तो जिस मीटिंग में यीशु नहीं है मैं जाके क्या करूं पहले जाता था 20 साल तक जाता था आपकी दी हुई पैकेट लेता था याद आ गया होगा आप लोगों को और मुझे ऐसा लगता था अरे वाह क्या काम किया मैंने ऊंचे ऊंचे सुर में गाना गा के कवाली सूफी गजल सब गाता था आप लोगों के लिए याद आ गया मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालो, या लेकिन जब से खरा प्रचार करना शुरू किया बोला डैनियल राज को नहीं सुन सकते वाह बेटा <laughs> मुझे नहीं सुन सकते पौलूस को नहीं सुन सकते ये बात तो सत्य है, ये बात तो सत्य है, नहीं सुन सकते आप तो जब यीशु को नहीं सुन सकते पौलूस को नहीं सुन सकते मुझे क्या सुनोगे